दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 2 के इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो टेक्निकल के हों या नॉन टेक के एग्ज़ाम हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी हाल में ही बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इन सब डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज क्रिएट हो रखी है। तो इन सब डिपार्टमेंट में, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो चाहे नॉन टेक डिपार्टमेंट हो, सभी में जो है ये जो टॉपिक है चंद्रयान 2 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे 100% श्योर है कि क्वेश्चन बनना, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर जो है हमारा मोटिवेशन का काम करता है। हम आपके लिए जो है कुछ इस प्रकार के वीडियोज़ और रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो है वीडियोज़ लेके आते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आपको ये सारी चीज़ याद हो सके, क्योंकि इससे 100% श्योर है कि क्वेश्चन बनना आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। देन यहाँ पे हम PDF के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो PDF है, आपको टेलीग्राम के पेज पे, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि हमने PDF इसका पहले ही अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम के पेज में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, आप जो है इस लिंक पे या इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। ऑनलाइन आप जो है यहाँ डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ का भी फ्री में लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स चंद्रयान 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो चंद्रयान मिशन 2 है वो कब लॉन्च किया गया। तो ये जो है 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। देन एक क्वेश्चन और भी क्या बन सकता है कि जो चंद्रयान 2 का अभियान है वो भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ये जो है आपका GSLV Mark 3 से जो है लॉन्च किया गया। देन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया। ये जो है इसरो ने लॉन्च किया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो है लॉन्च किया, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, यानी कि जो कर्नाटक में बेंगलुरु है वहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो वहाँ इस संस्थान ने जो है इसे लॉन्च किया। देन यहाँ पर बात कर सकते, क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, ये जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। देन चंद्रयान 2 का जो मिशन है उसे लॉन्च करने में कितना खर्चा आया, तो इसको लॉन्च करने में लगभग 960 करोड़ रुपए जो है खर्चा आया। देन यहाँ पे जैसा कि आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है या फिर मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थिर है, तो वो जो है बेंगलुरु में स्थिर है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की कैपिटल है। देन चंद्रयान 2 को कहाँ पर उतरना है, तो देखिए चंद्रयान 2 को जो कहाँ पर उतरना है, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर जो है चंद्रयान 2 को उतरना है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कहाँ से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है बन चुका है, और संभावना ये है कि ये फिर से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में। भारत को अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है, तो भारत का जो अंतरिक्ष मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ PMO जो मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर फिर कहा जाता है, उनके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। देन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर भी प्रधानमंत्री के पास है, यानी कि PMO के पास है। ठीक है, चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो ये जो है M. Banita और रितु करधल, ये जो है इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस दो नाम को आप याद कर लीजिए। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है वो कौन है, के सिवान जो है इनके अध्यक्ष हैं इसरो के। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगेगा? तो कितने दिन का समय लगेगा, 53 से लेके 54 दिन तक यहाँ पे जो है चंद्रयान को, जो चंद्रयान 2 है उसको दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा के पहुंचने में लगेगा। चंद्रयान 2 अभियान का भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? ये कौन सा मिशन है? ये दूसरा मिशन है। पहला मिशन जो है ऑलरेडी हो चुका है। अब बात करते हैं कि जो पहला मिशन था चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 1 जो है आपका 22 अक्टूबर 2008 को जो है लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को भारत से कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये क्वेश्चन जो है पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना रुपये का खर्च आया, तो 380 करोड़ रुपये का खर्च आया था। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो श्री माधवन नायर थे, और इस समय कौन है, के सिवान। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है, 2 के जो है के सिवान है इसरो के अध्यक्ष, और 1 के जो है श्री माधवन नायर जी हैं। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया, तो किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया, PSLV C-11 के द्वारा ये लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कहाँ पहुँचा, कब पहुँचा, तो देखिए चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कब पहुँचता है, तो ये जो है 22 अक्टूबर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो है गलत हो चुका है, यहाँ पे चंद्रयान 1 होगा, जो चंद्रयान 1 है वो चंद्रमा पर कब पहुंचा था, तो 22 अक्टूबर 2008 को जो है ये पहुंचा था। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 जो है उसकी सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सत्ता पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला है। देन यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं, तो वो 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं, ऑर्बिटर, लैंडिंग और रोवर, ये जो 3 है ये महत्वपूर्ण हिस्से हैं। चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम है, लैंडर का क्या नाम रखा गया है, तो विक्रम जो है चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम जो है विक्रम रखा गया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके आने वाले सभी पेपर में। दोस्तों अगर आपको ये जो हम बता रहे हैं वो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और हम जो है आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार मेहनत करके कुछ ऐसे वीडियोज़ लेके आते हैं। अगला देखते हैं, चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल का क्या कार्य करेगा, तो देखिए चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर का क्या कार्य करेगा, तो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बन सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर का क्या कार्य होगा, अब ये रोवर का कार्य पूछ लिया गया है, तो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और ये चलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। अगर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक और शेयर करें। किस देश का चंद्रयान मिशन बेरसीट असफल हो गया, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो बेरसीट चंद्रयान मिशन था ये इसराइल का चंद्रयान मिशन था जो फेल हो गया था। चंद्रयान मिशन बेरसीट को कब लॉन्च किया गया था, तो ये कब लॉन्च किया गया था, 22 फरवरी को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 22 फरवरी 2019 को। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितनी दूरी है, ये जनरल क्वेश्चन आ गया। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आपका अगर मैं बात करूं तो 384,000 किलोमीटर यहां पे डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड मून। चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाती है, तो 1.3 सेकंड जो है लगता है चंद्रमा से पृथ्वी पर रोशनी पहुंचने पे। हालांकि जो चंद्रमा पे रोशनी पड़ती है वो सूरज के कारण पड़ती है, चंद्रमा अपने आप में कोई लाइट सोर्स नहीं है, सन की रेज जो है चंद्रमा पे पड़ती है, तो सन की रेज जो है अर्थ में पहुंचने के लिए आपका लगभग 2.2 सेकंड लगाती है।
2.2 सेकंड है, 2 मिनट जो है, 2.2 मिनट जो है यहाँ पे आपको लगाती है वहाँ पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे पूछ लिया है कि जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन है वो कितना है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1/6 है। अगर आप मान लीजिए आप 60 केजी के अर्थ पे हैं तो 10 केजी के जो है आप मून में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे 1/6 जो है आपका वेट हो जाएगा, जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। पृथ्वी की सतह से चांद कितना प्रतिशत भाग दिखता है, तो मतलब अर्थ से जो है आप मून को कितना परसेंटेज देख सकते हैं, तो 59% ही सिर्फ आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कुछ जनरल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चंद्रमा का यहाँ पे व्यास पूछ लिया है, तो आपका 3478 किलोमीटर जो है चंद्रमा का व्यास है, व्यास मतलब तो डायमीटर। चंद्रमा के वर्णन की विधा को क्या कहते हैं, चंद्रमा के जो वर्णन की विद्या है उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा था, ठीक है, एसएससी सीजल का ये क्वेश्चन है, तो मैंने वहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन ले लिए हैं। चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे, तो अपोलो 11 से जो है ये उतरे थे नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था, तो कब रखा था, 20 जुलाई 1969 को जो है इन्होंने अपना पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर रखा था। इसके पीछे भी बहुत एक कहानी है, अगर आप चाहोगे तो मैं कहानी भी बताऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पे जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं जो चंद्रयान 2 था उसका कितना वेट है, मतलब उसका वजन कितना है, तो उसका जो वजन है आपका 3877 किलोग्राम जो है उसका वेट है, केजी जो है उसका वेट है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, पहला देश कौन सा था जो चांद पर उतरा था, तो यहाँ पे दक्षिण ध्रुव की बात की जाए तो चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। ऑर्बिटल का क्या काम है, तो मुख्य उद्देश्य जो है ऑर्बिटल का क्या है, मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच में कम्युनिकेशन करना जो है ऑर्बिटल का काम है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किए, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक का एग्ज़ाम हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। अगर आप कहीं भी स्किप कर रहे हो या कर रहे हो इस वीडियो को, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आपका लिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि मेरे बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर आपके वीडियो जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, एक लाइक तो बनता है बॉस। तो दोस्तों ये था चंद्रयान 2 मिशन के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इनकी लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले फॉर्म को फिलअप कर ले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो है आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है जहाँ से आप इजीली फॉर्म को फिलअप कर सके। साथ ही साथ वहाँ पे पुरानी वैकेंसीज के बारे में ही कुछ डिटेल बताया जाता है, अगर आप भूल चुके हैं या फिर भूल गए हैं तो आप जो है डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हो। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।